स्टूडियो पे बैठ के, शाम का टाइम है होने को, तो फिर अंदर थोड़ा सा मतलब सब बिजी है, तो मैं सोचा था आवाज़ आएगी उनको सबको, तो स्टार्ट करते हैं कि मेरी सास क्या करती है, मेरी ससुर जी क्या करते हैं और वो कितने भाई हैं, जो भी है सब बताते हैं। तो आप सबको बता, हाय गाइस, मनोर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और हम आपके लिए एक अच्छा सा न्यू ब्लॉग लेके आ रहे हैं। तो आप सब कैसे हो, अच्छे होंगे? सर्दी में वैसे भी सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत भयंकर वाली, बाहर निकलती है बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो गाइस अपन ब्लॉग कर रहे हैं नाइट से स्टार्ट, तो अब टाइम हो रहा है 7:30 का। तो वैसे मैं इस टाइम ही किचन में आती हूँ, तो 7:30 इतने ही बजे होते हैं रोज़। तो मुझे किचन में करना है काम थोड़ा सा, तो थोड़ा सा तो क्या, मुझे खाना बनाना है और खाना बनाने के बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज बहुत बड़ी बात, और जो एक और मैं आपके साथ वो ब्लॉग भी जरूर शेयर करूँगी। तो वो वाली रिवाज चल रही है ना, जो सासू बहू को चूड़ा पहनाती है, ऐसा कुछ रिवाज चल रहा है, तो वो वाला रिवाज भी मेरी सास भी, मतलब जीजी भी मुझे चूड़ा पहनाने के लिए आएगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने देखो ओनली वीडियो बनाने, ओनली ब्लॉग्स बनाने के लिए ही मैंने अपना लहंगा लुगड़ी लुक लिया है। तो चलो बनाते हैं पहले रोटी और फिर मैं आपको क्या बताने वाली हूँ सुन लो। तो ब्लॉग पूरा देखना है आपको ये वाला, ताकि कि आपको पता चल सके कि बार बार आप फिर से कमेंट्स ना करो कि इस चीज़ के बारे में बताओ, इस चीज़ के बारे में बताओ, तो इस वजह से, ठीक है? तो मेरे को बताना है आप सभी से, सभी को, कि गाइस देखो प्रेगनेंसी में ये छाई सी पड़ जाती है ना नाक पर, दिखती है थोड़ी थोड़ी, वैसे अंदर रहते तब तो नहीं दिखती, पर एक दो दिन धूप में वो मिलेगी फिर दिखने लग जाती है। तो ध्यान से सुनो, मैं आपको बताने वाली हूँ बहू और सास का रिलेशन, मतलब मेरा बहू ससुराल की बातों के साथ, ठीक है? तो आज आपको बताऊँगा कि और ये भी मैं आपको इसमें बता दूंगी कि मेरा ससुराल कहाँ पे है, ठीक है? नहीं लगाएंगे, बोर नहीं करेंगे आप सभी को, एक दो रोटी बना, मतलब रोटी पूरी बना के आपके साथ ज़्यादा चीज़ें से ये नहीं करेंगे, वैसे तो काफ़ी सारा काम है, दूध गर्म करना है अभी, तो फिर थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है, खाना बनाने के बाद, ठीक है? और आपको बताते हैं। तो गाइस आप सबको बताएंगे आज, आप भी सब्जी खा लो, तो रोटी बन चुकी है थोड़ी देर में रुको, और आप सोच रहे होंगे कि अभी थोड़े देर पहले तो कुछ और लुगड़ी में दिख रहे थे और अब दूसरी में, तो गाइस वो वाली लुगड़ी है ना, इसलिए इस ब्लाउज के साथ मैच नहीं कर रहा था, तो इस वजह से मैंने लुगड़ी चेंज कर दिया। तो ठीक है, मिलते हैं आप थोड़ी देर में, ठीक है? खाना आप खा सकते हो। गाइस खा लिए सबने खाना और हो गए फ्री एकदम। तो अब आप सभी इसको बताते हैं कि मेरी सास ससुर जी क्या करते हैं, सास क्या करती है, सासू क्या करते, देवर क्या करते, कितने हैं, कितने लोग हैं फैमिली मेम्बर, कितने हैं मेरी फैमिली में, ससुराल वाली फैमिली में। तो चलो बताते हैं पहले कि मेरे ससुर जी क्या करते हैं। पहले तो बताते हैं कि ससुर जी के भाई कितने हैं। तो गाइस दो भाई हैं ये, मेरे ससुर जी बड़े बड़े हैं, मुझे छोटे वाले और बता दें कि मेरे ससुर जी के दो भाई हैं और मेरे ससुर जी बड़े बड़े हैं, और मेरे ससुर जी क्या करते हैं पहले ये बताते हैं। तो गाइस मेरे ससुर जी करते हैं जमींदारा, खेती करते हैं, और मेरी सास वो भी खेती करती है, मतलब जमींदारा करती है, वो गांव में रहते हैं दोनों, बस गांव में वो दो ही लोग रहते हैं, बस ससुर जी और सास दोनों रहते हैं और कोई नहीं रहता। देवर जी और वीर जी ने बताए, वीर जी के दो भाई हैं, एक वीर जी और एक पिंटू भैया। तो देवर जी आपने देखा होगा काफ़ी बार ब्लॉग में है कहीं कहीं पे, तो देवर जी हैं जो वीर से छोटे हैं, और दो मेरे ननद हैं, मतलब दो भाई और दो बहन हैं ये। तो वीर जी बड़े बड़े हैं, ये मेरे ससुर जी के चार बच्चे हैं, कि दो वो चार बच्चे, छह जने, तो ननदों की दोनों की शादी हो गई है, दोनों के पास, एक के पास तीन बच्चे, एक के पास एक बच्चा है, वो बच्चा काफ़ी बार ब्लॉग में देखा है आपने। और भैया जी अभी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ये दोनों भाई बहनों से छोटे हैं और बहन बड़ी हैं दोनों। और अब बताते हैं मेरी चाची ससुर के बारे में। तो मेरे चाची ससुर जी हैं, वो जॉब करते हैं, वॉल्वर रहते हैं और अम्बेडकर नगर में। तो गाइस
मेरे ससुर जी, मेरे चाचा ससुर जी किस चीज़ में सुख करते हैं तो वो सब भी आपको बता देते हैं। तो चाचा ससुर जी से मिलवाएंगे, कभी वो आते रहते हैं काफ़ी बार, पर वो थोड़ा घूंघट उंघट होता है तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पाते, उनके सामने शर्म आता है। तो बनवाएंगे वीर जी से किसी दिन वीडियो, तो आपको ससुर जी से मिलवाएंगे, चाचा ससुर से और ससुर जी से भी, ठीक है। आप गाँव चलेंगे, गाँव जाएंगे तो जरूर मिलवाएंगे आप सभी को वहाँ पर, और चाचा जी इधर आएंगे तो उनसे भी मिलवाएंगे, ठीक है। और दादाजी हैं सबसे बड़े हमारे फैमिली मेम्बर में, सबसे बड़े दादाजी हैं जो हमारे पास रहते हैं इधर ही, और हम अलवर में रहते हैं, मैं, दादाजी, देवर जी और वीर जी, चार जने अलवर रहते हैं, दो जने गांव में रहते हैं। और चाची सास जो चाची ससुर जी मकान अम्बेडकर नगर में है, वो दोनों वहीं पर रहते हैं। चाची भी, चाची सास भी जॉब करती है, चाची ससुर भी जॉब करते हैं। चाची ससुर जो, चाचा ससुर जी जॉब करते हैं FCI में, AGM है, और उनके दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, तो बच्चे भी पढ़ रहे, छोटे ज़्यादा बड़े नहीं है। और चाची सास है वो टीचर है अलवर में। तो ये मेरी छोटी सी फैमिली है ससुराल की, और मेरे बहू सास भी हैं, बहू सास मेरे चार हैं, हाँ चार है, नहीं सॉरी तीन है, बहू सास मेरे तीन हैं, जो एक बहू सास एक्सपायर हो गई, मैंने देखी भी नहीं है कब, बहुत पहले हो गई है और मिली भी नहीं हूँ। दो सास हैं जो, दो बुआ सास हैं, उनसे मैं मिल चुकी हूँ और आपको मैं मिला चुकी हूँ, अच्छे से मिलाएंगे कभी आएंगे तो, ठीक है। तो यही है मेरी फैमिली मेम्बर्स, और इतने तो प्यारी सी छोटी सी फैमिली, बहुत अच्छी है, खुश है एकदम, बहुत हैप्पी है, कोई कमी नहीं है किसी भी चीज़ की, और भगवान की दया से सब कुछ अच्छा है। और तो मेरी सास से भी मैं आपको मिलाने वाली हूँ, वो चूड़ा वाली रस्म चल रही है, चूड़ा फैलाने वाली, कि बहू को चूड़ा पहनाते हैं, तो मैं वहाँ पे नहीं जा सकती, तो इतनी दूर, तो सास चाची वैसे भी चीज़ को यहाँ पे आए काफ़ी दिन हो गए हैं, हम तो अभी जाके आए थे, तो हमने बोला था कि आप इधर आ जाओ ताकि कि आप मिल जाना सबसे, यहाँ पे दीदी भी इधर ही रहती, मेरी ननद भी, तो सबसे मिल जाना, तो वो आएंगी, तो देखते हैं किस दिन आएंगी, तीन दिन में आएंगी तो आपको मिलाएंगी उनसे, ठीक है। तो वो वाला ब्लॉग भी देखना, ये वाला वाला ब्लॉग भी पूरा देखना, अगर मेरे ससुराल के बारे में जानना है तो ज़रूर देखना। और मेरा ससुराल कहाँ पे है गाइस, वो भी मैं आपको बहुत जल्द बता दूँगी, कौन से गांव में है, ठीक है। तो बनी रही ब्लॉग में, और अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है गाइस। सब्सक्राइब बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, ठीक है। बाय बाय। आपके लिए सर्दी में यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाया है ताकि कि कल के लिए मैं ब्लॉग डाल सकूँ आपके सभी के लिए, तो ठीक है बाय। और आपको अब जितने भी फैमिली मेम्बर मैंने बताए हैं, या तो बड़ी फैमिली नहीं है पर छोटी है, अच्छी है, और आपको मिलना है इन सब से, सबको जानना है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, कमेंट्स में बताओगे तो, ठीक है। बाय बाय, फिर मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ आप सभी से, ठीक है बाय।